एक बार की बात है, एक जूनियर इंजीनियर किसी कंप्लेन पे गया किसी ऑफिस में। तो जैसे ही उसने यूजर के पास पहुंचा, उस यूजर ने बोला, भाई मेरा कंप्यूटर क्रैश हो गया है और इसको फॉर्मेट कर दो। बोला, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मेट हो जाएगा। तो उसने भागे भागे ले गया और बोला कि सर, अपने अपने सीनियर इंजीनियर से बोला, सर इसको फॉर्मेट करना है और पर्टिकुलर राजेश सर का डेटा है और इस लैपटॉप को फॉर्मेट करना है। तो बोला, रुक रुक भाई, पहले उनसे पूछ के आ कि इनके उस उनके सी ड्राइव में कोई डेटा भी है या नहीं है। अगर है तो हम ऐसे फॉर्मेट नहीं कर सकते। तो भाग के दौड़ के गया, उनसे पूछा कि सर आपके सी ड्राइव में कोई डेटा है। बोला, हाँ हाँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है मेरा, तो वहाँ पे मेरा आउटलुक का डेटा है, मेरे सी ड्राइव का कुछ ऑफिस की डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो क्या तुम बिना फॉर्म बिना बैकअप के फॉर्मेट करने जा रहे थे क्या? तो बोला, हाँ सर मुझे क्या पता, हम तो पूरी हार्ड डिस्क की हार्ड डिस्क फॉर्मेट कर देते। अरे भाई, तू मेरी लंका लगा था। यूजर्स ने ऐसे बोला, तू मेरी लंका लगा लेता। तो उसने जाके दौड़ के भाग के अपने सीनियर इंजीनियर से बोला, सर उनके सी ड्राइव में कुछ डेटा है, तो ये तो कैसे निकलेगा, ये तो हो ही नहीं पाएगा। बोला, अरे रुक जा भाई, क्यों नहीं होगा। तो उसने क्या किया, सबसे पहले उसने बोला, सबसे पहले तुम्हारे पास हार्ड डिस्क है कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल केसेस है? बोला, सर नहीं है। देखिए, इसको निकालने के दो तरीके हैं। पहला, अगर आपके पास कोई नया कंप्यूटर है या डेस्कटॉप का डेटा है और नया कंप्यूटर है, तो उसको सिंपल सेकेंडरी में लगाकर SATA पोर्ट पे उसे बूट करा के निकाल सकते हैं। अदरवाइज मान लीजिए लैपटॉप का डेटा है, लैपटॉप की हार्ड डिस्क है, तो उसको क्या करेंगे, उसको लैपटॉप से बाहर निकालेंगे और एक्सटर्नल केसेस में लगाएंगे, यूएसबी केसेस में, और उसे किसी भी लैपटॉप के यूएसबी से अटैच करके उसका डेटा निकाल सकते हैं। अगर ये सारी चीजें नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन क्या है आपके लिए, कि सिस्टम फॉर्मेट भी हो जा, रिपेयर भी हो जा और डेटा भी लूज ना हो। तो ये थर्ड ऑप्शन उसके सीनियर इंजीनियर ने बताया उस अपने जूनियर इंजीनियर को। उसने क्या किया, चलिए वही सीखेंगे आज हम इस वीडियो में, कि फॉर्मेट भी हो जाए सिस्टम हमारा, फॉर्मेट होने से पहले हम डेटा को, सी ड्राइव के डेटा को कैसे रिकवर करें। करेक्ट। तो उसने क्या किया, सबसे पहले एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाया। अगर आप लोगों को नहीं पता कि बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को रेफर करके चेकआउट कर सकते हैं। इसमें मैं पूरी डिटेल बताई हुई है कि आप अपने पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाए। बूटेबल पेन ड्राइव बना के उस बूटेबल पेन ड्राइव से सिस्टम को बूट कराया। तो ये हमारा सिस्टम है जो कि क्रैश हो चुका है। मैं बूटेबल पेन ड्राइव तो नहीं, मेरे पास बूटेबल डीवीडी है, आईएसओ फाइल, ठीक है। मैं आईएसओ फाइल को थ्रू दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि उसने क्या किया। तो सिंपल, आपको बायोस में जाना है, मशीन ऑन करते हैं, बायोस में चलते हैं। बायोस में जाने के बाद आपको बायोस के अंदर चेंज करना है, कॉन्फ़िगरेशन बूट ऑप्शन में आना है। बूट ऑप्शन में आने के बाद चेंज बूट ऑर्डर करना है। बूट ऑर्डर में जो भी आपका है, जैसे पेन ड्राइव से बूट करा रहे हैं तो पेन ड्राइव फर्स्ट पे करेंगे, ठीक है। जब पेन ड्राइव लगाएंगे तो यहाँ पे शो कर जाएगी, हमारे केस में डीवीडी है, तो मैं इसको डीवीडी या सीडी से बूट कराऊंगा। तो इसको टॉप पे रखेंगे, ठीक है। तो टॉप पे है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हमने बाहर निकल गया, ठीक है। अब इसको मैं आईएसओ के थ्रू बूट कराऊंगा। यहाँ पे जस्ट मैं एंटर किया और इसने डीवीडी से बूट करना स्टार्ट कर दिया। अब बूट से बूट होने के बाद ठीक है, ये हमारी पेन ड्राइव, बूटेबल पेन ड्राइव या बूटेबल डीवीडी से बूट हो गया सिस्टम। इसके बाद करना है हमें नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद जो ये वेलकम स्क्रीन है, सॉरी, ये इंस्टॉलेशन की जो स्क्रीन है, यहाँ पे दो तरीके हैं। यहाँ पे तो या तो आप इसको सिंपल शिफ्ट और F10 प्रेस कर दीजिए। शिफ्ट और F10 प्रेस करने के बाद ये सीधा कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाएगा, ठीक है। अब कमांड प्रॉम्प्ट पे आप चाहें तो यहाँ पे
जो भी कमांड चलाना चाहे चला सकते हैं। दूसरा तरीका है, अगर आप शिफ्ट F10 नहीं प्रेस कर रहे हैं तो सिंपल आप रिपेयर पे क्लिक करेंगे, रिपेयर योर कंप्यूटर, यहाँ पे आना है आपको ट्रबल शूटिंग, ट्रबल शूटिंग में एडवांस ऑप्शन, एडवांस ऑप्शन में यहाँ पे आता है कमांड प्रॉम्प्ट, तो यहाँ से जा सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ आने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, अब ये इंटरफेस मिल गया आपका GUI इंटरफेस विंडोज का, ठीक है, जो आपने इंस्टॉलेशन मीडिया लगाया हुआ है, बूटेबल मीडिया। तो यहाँ पे सिंपल लिखना है आपको नोट पैड, नोट पैड लिखते ही ये नोट पैड खुल जाएगी और हमें ओपन करना है, फाइल पे क्लिक करना है और ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद ये देखिए आपके जो भी सिस्टम की सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, जितने भी ड्राइव है सारी शो करने लगेगी। ठीक है, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर, ईच एंड एवरीथिंग। तो आपको क्या करना है, जो पर्टिकुलर यूजर है जिसका नाम है कि राजेश है ना, अब उस यूजर ने क्या नाम बताया था कि राजेश, हमारे राजेश नाम से मैं लॉग इन करता था। तो आपको सिंपल आना है सी ड्राइव, क्योंकि नॉर्मली जो विंडो इंस्टॉल होती है सी ड्राइव में होती है, तो सी ड्राइव में आना है, यूजर्स में आना है, देखिए यहाँ पे विंडो भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे विंडो नाम का फोल्डर पड़ा हुआ है विंडोज, वहां पे भी आपकी विंडोज इंस्टॉल होती है। तो यूजर्स में आना है, यूजर्स में ये देखिए राजेश नाम का यूजर्स है, राजेश नाम के यूजर की देखिए जितनी भी प्रोफाइल पे है, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, ये सारा कुछ दिख रहा है। तो जहाँ कहीं भी किसी लोकेशन पे है, जैसे डेस्कटॉप पे है, डेस्कटॉप पे देखिए ये तीन फोल्डर है, तो आपको क्या करना है, सिंपल इसको कॉपी करना है, इस ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, वन बाई वन ही करेंगे। ठीक है, कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आपको वापस आना है इसके डी ड्राइव में, डी ड्राइव, ई ड्राइव, कोई भी ड्राइव स्पेस खाली है, अगर नहीं है तो आप सिंपल इसमें एक यूएसबी हार्ड डिस्क लगाएंगे जिसमें कि आप डेटा बैकअप ले सकते, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब डी ड्राइव है तो मैं क्या करूंगा, डी ड्राइव में आऊंगा और इसको सिंपल प्रेस कर दूंगा। ठीक है, ऐसे ही जितना ही स्पेस, देखिए अभी शो नहीं कर रहा है, जैसे मैं बैक करूंगा और ये शो करने लगेगा। ठीक है, होम इमेज, तो ऐसे ही आपको वापस वन बाय वन जाना है, जो भी ड्राइव है, जो भी इसका डेटा है इस यूजर का, अभी डेस्कटॉप से उठाया मैंने, मान लीजिए कि सी ड्राइव में कुछ डेटा है, तो मैं क्या करूंगा, अब सी ड्राइव में जाऊंगा, सी ड्राइव में देखिए ये है वर्क फ्रॉम होम नाम का कुछ फोल्डर है, तो जैसे इसको राइट क्लिक किया, कॉपी किया, वापस मैं गया और इसके डी ड्राइव में पेस्ट कर दिया, सेलेक्ट, कॉपी, और वापस आए हम डी ड्राइव में, इसको पेस्ट कर दिया। ऐसे ही आपको वन बाय वन जितने भी फाइल या फोल्डर हैं सबको डी ड्राइव में पेस्ट कर देना है। जब आप डी ड्राइव में पेस्ट कर देंगे, पेस्ट करने के बाद आपका जो डेटा है वो ट्रांसफर हो गया सी ड्राइव से डी ड्राइव में, फिर आपको क्या करना है, सिंपल देखिए दो दो फोल्डर आए, ऐसे ही वन बाई वन कर लेना है। अब आपको क्या करना है, सिंपल इसी डीवीडी से, इसी बुटेबल पेन ड्राइव से या डीवीडी से बूट कराना है सिस्टम को, बूट कराने के बाद आपको सी ड्राइव का डेटा फॉर्मेट कर देना है। अब देखिए जब भी आप फॉर्मेट करने जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव, आपको सी ड्राइव डी ड्राइव नहीं दिखाएगा, वहां पे न्यू वॉल्यूम ही दिखाएगा, न्यू वॉल्यूम लोकल ड्राइव। तो अगर भूल जाते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको सिंपल रीनेम कर दो, जहां पे आपकी ड्राइव है इसको सिंपल आपने रीनेम कर दिया, इसको लिख दिया विंडोज ड्राइव। ठीक है, सो दैट कि आपको आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाएगा कि विंडोज जिसमें है उस ड्राइव का नाम क्या है। ठीक है, देखिए मैंने विंडोज कर दिया, तो अब आइडेंटिफाई कर लेंगे फॉर्मेटिंग के समय कि हमारी एक्चुअल विंडोज जिसमें है उसका उस वॉल्यूम का नाम क्या है। अदरवाइज कभी कभी बहुत बार ऐसे होता है कि मिस्टेक हो जाती है, हम सी ड्राइव की जगह डी ड्राइव को फॉर्मेट कर देते हैं जिसमें हमारे डेटा है, तो ऐसी गलती नहीं करना, अदरवाइज यूजर
बहुत भड़केगा और आपके ऊपर ऐसे चढ़ेगा कि मतलब फिर ये लगेगा कि मैं जॉब छोड़ ठीक है। तो इस टाइप से उसके सीनियर इंजीनियर ने अपने जूनियर इंजीनियर को गाइड किया कि ऐसे आप सी ड्राइव का डेटा बैकअप लेकर इसे फॉर्मेट कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोग समझ पाएंगे। इसके बाद इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद नॉर्मल, इसको क्लोज करने के बाद नॉर्मल आपको टर्न ऑफ कर देना है, सिस्टम को टर्न ऑफ कर देना है। और फिर आप बी ड्राइव में जाएंगे, बी ड्राइव में आपका डेटा सेफ है, आप कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह एक सीनियर इंजीनियर ने उसको गाइड किया और उसने आगे उसको फॉलो करना है। तो आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे कि विदाउट फॉर्मेटिंग, मतलब फॉर्मेट करने से पहले हम सी ड्राइव का डेटा किसी यूजर का या अपना पर्सनल कैसे बैकअप कर सकते हैं। इसके बाद किसी और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर इसके रिगार्डिंग आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई टू यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।